हाँ तो अलग कैसे हो। तो भाई तुमने इंट्रो क्लिप में देख ही लगा, यहाँ पे मेरी लॉबी में H2 और रॉकी वाइटी करके एक बंदा है जो भाई स्पाइकी के लाइन का है। वो बंदा मेरी लॉबी में आता है और मेरी उसकी फाइट भी होती है, और वो फाइट में जीतेगा कौन और हारेगा कौन ये भाई तुम एंड तक देखो तो पता चल जाएगा। और इस लॉबी में पहले बोल रहा हूँ मैं एस मास्टर के भी ऊपर टायर की हूँ और मेरी रैंकिंग कुछ 2000 के अंदर चल रही है। और यहाँ पे इस कॉन्कर लॉबी में इंटेंस कॉन्कर लॉबी में फाइट लेने का अलग ही मजा है। तो भाई एंड तक देखो तुम्हें काफी मजा आएगा, काफी क्लिप्स देखने को मिलेंगे एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे मैं टेम्पल पे आता हूँ और जस्ट मेरे मुंह के सामने यहाँ पे एक बंदा होता है जो मेरे पे नेट करता है। तो भाई यहाँ पे इस नेट से मैं एग्जैक्ट टेनिस पे बचता हूँ और मैंने यहाँ पे हीलिंग मारी और सिंपल बात है भाई ये बंदे को मेरी लोकेशन बताया, एक और नेट है मैं फिनिश। तो भाई यहाँ पे जस्ट मेरे मुंह के सामने दो बंदों की आपस में फाइट होती है और मैं यहाँ पे उनको फायदा उठाकर थर्ड पार्टी करने जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या किल मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे मुझे गेम खेलते हुए लग रहा था, मेरे को दो किल मिले हैं बट भाई किल फिट के अकॉर्डिंग एक बंदे ने यूजी से फेल दिया और मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही किल मिला। तो भाई इतना मैं समझ चुका था यहाँ पे एक और बंदा अलाइव है और उसकी और मेरी फाइट होने वाली है। तो भाई यहाँ पे मैं हीलिंग मारता हूँ और बंदे को रेस्ट करने जाता हूँ। इस बंदे को मैंने गोली मार दी, ये बंदा लो हो गया कन्फर्म है और मैं यहाँ पे जाता हूँ सिर्फ पुश करने। तुम्हारे भाई पे यहाँ पे DP20 होती है और इस बंदे पे यहाँ पे यूजी होती है, स्टिल तुम्हारे भाई ने इस बंदे को क्लोज में पे ही दिया। तो भाई यहाँ पे बंदे पे ले बाद यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ और जस्ट मैं मुंह के सामने यहाँ पे एक बंदा ऊपर से जा रहा है गाड़ी लेने के लिए। इस बंदे को मैंने आराम से स्पॉट किया, एम लगाया और फेल दिया। तो भाई यहाँ पे बंदे पे ले बाद जस्ट मैं गाड़ी लेता हूँ और गाड़ी लेकर यहाँ पे आता हूँ और देखो भाई यहाँ पे एक बंदा जंप एंड पंच वाली ट्रिक से यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है और इस बंदे को लग रहा होगा कि मुझे उसकी लोकेशन पता नहीं चली बट जो पंच की साउंड होती है ना उसी आती नहीं है, बट जब तुम कूदते हो ना जंप करते हो तो वहां की साउंड आ जाती है हल्की सी, मेरे को यहाँ पे साउंड आती है मैं पिलने जाता हूँ उसे। और सबसे गंदा स्कैम क्या होता बताऊं, जब तुम जंप एंड पंच करते हो और तुम्हारे हाथ में कुछ मतलब गन ही ना हो तब भाई सबसे गंदा स्कैम होता है। तो भाई यहाँ पे बंदे पिलने बाद एक बंदा जस्ट अभी भी मेरे सामने यहाँ पे लैंड करता है। भाई यहाँ पे इतना कंफर्म है ये बंदा अभी जस्ट रिकॉल हो गया है और इसकी लेवल 1 के गेयर्स होंगे और मैं इसको काफी अच्छा खासा डैमेज दे भी दिया है। तो भाई यहाँ पे मैं सोचता हूँ रश करते हैं, जो भी देखी जाएगी और किल भी मिल जाएगा। अब देखो भाई इनकी फाइट, मैं यहाँ पे बड़ा सा फ्लैग मार के जाता हूँ ताकि ये गाड़ी से उतार ना दे और यहाँ पे आता हूँ इस कंपाउंड पे। अब देखो भाई यहाँ पे क्या ही किल निकालता हूँ इसका। मैंने यहाँ पे बंदे मॉली फेंकी, बंदा भाई यहाँ पे बाहर निकला और इसको आराम से मैंने यूएम पे पेल दिया। तो भाई यहाँ पे बंदे पेलने बाद मेरे को भाई लूटी थोड़ी कमी थी, मतलब मेरे को एक सामान मिला नहीं था, शायद मैग था कोई बड़ा वाला, हाँ बड़ा वाला मैग मिला नहीं था। तो भाई यहाँ पे मैं शॉप पे आता हूँ, मैं सोचा मैग उठाऊंगा बट भाई यहाँ पे गेट खुले हुए थे और यहाँ पे एक कैंपर टाइप का बंदा जैसे बैठा हुआ था। अब पता नहीं भाई ये कैसा कैंप है भाई, कैंप में कर रहे हो तो भाई कैंप में करना तो सीख लो, माँ का भाई का ध्यान ही नहीं है। इसको आराम से पेल दिया और मुझे यहाँ पे काफी अच्छे खासे कॉइन मिल गए थे और मैं यहाँ पे फ्लेगर मंगा लेता हूँ और फ्लेगर से मैंने BRDM मंगाई और BRDM लेकर सीधा मैं जोन के एच पे आता हूँ रोटेशन लेने के लिए। और यहाँ पे मैंने होल्ड किया ही था, एक बंदा यहाँ पे रोटेशन लेता है। यहाँ पे स्प्रे करते करते भाई रैपिडो का रोटेशन आ गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ पे मैं रोटेशन लेता हूँ और इस बंदे प्रेश करता हूँ जो भी एक बार देख ही जाएगी। माँ कसम भाई यहाँ पे तुम क्या लोगे, एक बंदा मेरे सामने एक बंदा लेफ्ट में हो और मैं जो लगता मी बियाड़ी में यहाँ पे धीरे धीरे सरकते जोन में काफी बाहर चली जाती है और यही थोड़ा सा हिल वाला एरिया था, मैं BRDM जोन के अंदर लाने की रिस्क ले नहीं सकता क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा जोन। और यहाँ पे मैं फिनिश हो जाता हूँ और काफी बड़ा लगता है। चलो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट गेम प्ले की, तुम किलफिट देखो भाई H2 और रॉकी वाइटी करके बंदा है, इसने कम से कम 6-7 किल किए थे बट मैं थोड़ा सा पोर्शन दिखाया सिर्फ किलफिट का। और यहाँ पे मैं रोटेशन लेता हूँ और थर्ड जोन के सेंटर में आता हूँ और ये बंदा रोटेशन लेकर जस्ट अभी यहीं पे आता है। अब देखो यहाँ की फाइट, बंदा लेजिट है, काफी अच्छा खेलता है और यहाँ की देखो फाइट काफी इंटरेस्ट होने वाली है।
मैं यहाँ पे नेट करता हूँ, ये उसी वक्त ये बंदा मेरे पे मॉली करता है। और जैसे ही बंदा ने रश किया मैं आराम से पेल दिया भाई, कसम से बोलो अगर मेरे पास टीपीपी ना होती ना काफी मतलब काफी दिक्कत होती, दिक्कत तो अभी भी हुई, मतलब अच्छी फाइट थी, बंदे ने मजा गया। तो भाई यहाँ पे भाई को पेलने बाद मैं यहाँ पे मोटर करता हूँ ऐसा फ्लेक्सिंग, तो भाई यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ। अब सीधा बढ़ते हैं भाई यहाँ पे रोटेशन की तरफ, और यहाँ पे एक बंदा बग्गी से मेरे बगल में रोटेशन ले रहा है। मैं सोचा भाई तुम मेरे से मजे लोगे मैं तुम्हें पेलूंगा ना, ये देखो भाई यहाँ पे क्या ही इसको लपेटता हूँ, एक के हेड पे हेड लगने वाला है, स्वाद एकदम ओपी। माँ कसम भाई यहाँ पे तीन हेड लगे हैं, दो तड़ पैर तड़ आवाज आई है ना, क्या ही बताऊं भाई क्या ही बताऊं, इतना स्वाद आया क्या ही बताऊं भाई, कुछ तो बता देता हूँ। चलो बताता हूँ भाई यहाँ पे मैं इसको बंदे पेलने के बाद मेरे लेवल से गेयर देखो काफी डैमेज थे, मैं सोचा भाई ये बगल एक शॉप है यहाँ पे, इस शॉप से मैं लेवल से गेयर उठा लेता हूँ, और ठेला बोलूंगा शॉप नहीं बोलूंगा, यहाँ पे लेवल से गेयर उठा लेता हूँ, मैंने यही सोचा था। अब देखो भाई यहाँ पे मैं लेवल से शॉप से लेवल थ्री के गेयर उठा रहा हूँ शॉप से, और तभी एक बंदे को स्पॉट कर लिया था, और उस बंदे ने एकदम सही मौके फायदा उठाया, जब मैं एकदम गाड़ी चढ़ा रहा हूँ ना मैं पेला, और उसके हेडशॉट देखना क्या ही लगे, अगर मेरे पास यहाँ पर लेवल थ्री फ्रेश गेयर ना होते मैं फ्रेश था। भाई सच्ची बोल रहा हूँ दिल से एक ही आवाज आई थी भाई, बच जाऊं किसी भी हाल में बच जाऊं, इस बंदे ने मुझे कितना गंदा डैमेज दिया, एग्जैक्ट मैं 10 HP बचाऊं, और ये बंदा जस्ट मैं पीछे यहाँ पे आ भी रहा था, मैं सोचा यहाँ पे कवर में रुकता हूँ और हीलिंग आता हूँ जो भी होगा देखी जाएगी, बट ये बंदा राइट साइड में निकल लेता है और मैं पीछे साइड, यहाँ पे और भी बंदे होते हैं भाई कसम से बोल रहा हूँ, यहाँ पे छोटे जोन में तुम थर्ड पार्टी बहुत ऊंचा आ सकते हैं, मैं सोचा यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है और यहाँ पे निकलता हूँ रोटेशन के लिए। अब देखो भाई यहाँ पे मुझे जाना है जोन के अंदर, और मैं सोचा था आराम से सेंटर में जाऊंगा जो भी कंपाउंड होगा वहीं पे रुक जाऊंगा, बट भाई इतना सेफ नहीं होता, सोलो टीपीपी कॉन्कर लॉबी यहाँ पे मुझे काफी गंदा डैमेज दिया। भाई मैं यहाँ पे गाड़ी धुआं निकलना शुरू हो चुका है, मैं सोचा भाई सेंटर में जाता हूँ जो भी होगा देख जाएगी आ रहा पैर, क्योंकि गाड़ी से रोटेशन ली कंफर्म भाई कोई बंदा 20 गोली मारेगा गाड़ी फोड़ देगा और मैं अकेले उसका हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैं सेंटर में आता हूँ, और लकीली देखो भाई मैं अलग देखो भाई, सेंटर का कंपाउंड अभी तक खाली है, तो भाई यहाँ पे आके होल्ड करता हूँ, और तभी इतनी देर में मुझे राइट से साउंड आती है, कुछ गाड़ी वाली बंदे यहाँ पे रोटेशन ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने एक बंदे को पेल दिया, और यहाँ पे दूसरा बंदा एकदम ऊपर से मेरे रश कर रहा है। अब भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पे कवर से बाहर निकलने से पेल देता, बट भाई एक दिक्कत होती है, अगर सामने वाला बंदा अच्छा है ना उसे सिर्फ कुछ नहीं करना, उसने क्रॉस एयर से अपना एम तुम्हारे ऊपर रखा है, जैसे तुम कवर से बाहर निकलोगे उसे सिर्फ एक चीज करनी है फायर करना है, बट तुम्हें टीपीपी से बाहर निकलना है एम लगाना है फायर करना है, तब तक भाई तुम्हारी पेटी बनकर पैक भी हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे ये बंदा रश कर देता है क्लोज में, अब तुम्हें फाइट। तो भाई यहाँ पे मैंने इस बंदे को आराम से पेल दिया, और इस बंदे को पेलने बंदे काफी अच्छे से किल हो चुके थे, अब मुझे कुछ नहीं करना वेट करना था, और तभी यहाँ पे जोन के भाई बंदा फाइट करता है। मैंने भाई इस बंदे को आराम से स्पॉट के पेल दिया, बट भाई इतनी देर में बीआरडी वाले बंदा बाहर निकलता है अपनी बीआरडी से, और मेरे को काफी गंदा डैमेज देता है, और मैं यहाँ पे हीलिंग मारता हूँ और फिर इस बंदे की बीआरडी में फोड़ता हूँ। कसम से बोल रहा हूँ भाई इसकी बीआरडीएम सिर्फ 10 गोली की बची थी, ये बीआरडीएम भाई कंफर्म फिनिश थी। फिर देखो भाई यहाँ पे मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं सोचा गाड़ी लेते हैं क्यों, अच्छी गाड़ी एक मिल जाएगी काफी सही रहेगा, बट भाई मेरे पे फायर पड़ता है। तो भाई तुमने किलफिट देखी लेफ्ट साइड से एक M4 वाले बंदे ने इस बंदे को पेल दिया, इस बंदे ने भाई मुझे काफी हेल्प की, अगर ये बंदा ना पेलता ना काफी दिक्कत होती, बिकॉज मैं 1 HP पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे हिली मारता हूँ बूस्ट मारता हूँ और यहाँ पे कवर में आ गया था। अब देखो यहाँ पे वेट करना है, जैसे जोन सिंक होना स्टार्ट होगा मैं यहाँ पे रोटेशन लूंगा। तो भाई यहाँ पे जोन के एज पे आता हूँ, बट भाई ये जोन के एज एकदम जोन के अंदर था नहीं, तो भाई यहाँ पे मैं रोटेशन लेने दोबारा निकल लेता हूँ, मैं सोचा था कोई अच्छा सा कंपाउंड मिल जाए रिज मिल जाए कवर मिल जाए, बट भाई एकदम ओपन जोन था, ये एक दिक्कत की बात थी। अब भाई यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, बट भाई एक बंदा जस्ट मेरे मुंह के सामने निकलता है, और वो बंदा भाई कितना गंदा होता है मेरे को। अब देखो भाई माँ कसम भाई मैं यहाँ पे भूल ही गया, ये बंदा मेरे को गाड़ी से उतारता नहीं है, मैं अपनी गाड़ी से खुद उतर रहा हूँ भाई। तो भाई यहाँ पे मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस तो बोलोगे नहीं, बट भाई यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी, मैं यहाँ पे गाड़ी से मारता हूँ और गाड़ी से गिर गई मौत। तो भाई अब क्या ही बोला जाए,
क्या ही बोला जाए। चल कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे मैं आता हूँ आराम से। अब बात करते हैं भाई अभी नेक्स्ट गेम प्ले की। मैं यहाँ पे सेंटर होल्ड करता हूँ और सेंटर में एक बंदा होता है, मैं इसको आराम से पेल दिया और यहाँ पे मैं होल्ड कर ही जाता हूँ। और इस लॉबी में एक हैकर भी होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ रोटेशन जाती है, उनको मैं उतारता हूँ। तो भाई यहाँ पे बंदो पेलने बाद, अब देखो जोन जोन जो नेक्स्ट वाला होता है मैं बनता नहीं है। मैंने सोचा यहाँ पे सही मौका रोटेशन लेने की। अब देखो कि रोटेशन कैसी प्यारी से मैं रोटेशन लेता हूँ और सेंटर में स्लैक होता है वह भी स्लैब मारता हूँ और जो हैकर था वो स्लैब भी टॉप में था। ये गिली सूट वाला बंदा भाई अंदर बैठ के बूस्ट मार रहा है। ये नहीं भाई तू गन हाथ में पकड़ ले, बट भाई मैंने अंदर गया आराम से स्पेल दिया और तभी जो हैकर था यहाँ पर रोटेशन लेता है। अब देखो भाई ये सीधा कहाँ जाता है। तो ये बंदा जाके सामने रुक जाता है और मैंने यहाँ पे स्पॉट करा था सही मौका, जैसे ही बंदा ऊपर में वैसे पे लूंगा। अब देखो यहाँ पे मुझे मूवमेंट मिलती है जब ये बंदा ऊपर में आता है। तो भाई यहाँ पे बंदे मैंने आराम से पेल दिया था और अब मैं यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ। उस बंदे ने अपने मुंह पे स्मोक रखा था। अब देखो भाई यहाँ पे सही मौका, मैं यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ और पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। बट भाई यहाँ पे मुझे डाउट में हूँ कौन हैकर है, ये गाड़ी वाला हैकर है स्मोक वाला हैकर है। बट भाई और भी कुछ बंदे बोले थे ये बंदा हैकर हैकर है, बट मुझे खुद नहीं पता चला कौन बंदे बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे इस बंदे ने मुझे कितना सस्पिशियस मिला स्मोक के आर पर, पूरा पूरा स्मोक के आर पर भाई। तो भाई यहाँ पे तुमने देखा होगा इस बंदे ने मुझे स्मोक के आर पार एकदम एक्यूरेट मारा है, एकदम ही एक्यूरेट। तो भाई यहाँ पे मुझे हैकर बंदा ये लग रहा था इससे ज्यादा। तो भाई यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन हैकर था कौन नहीं था, बट भाई तुम यहाँ पे 10 किलो देखो जैसे इस बंदे में लोगों से पूरी पता है मैं यहाँ पे स्मोक के आया हूँ। भाई स्मोक का कोई महत्व तो होता है, बट नहीं भाई इस बंदे को आराम से फेल दिया। तो भाई अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी हो 1% भी, इसे वीडियो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब करो। बाय गाइस। Touch me like you do. What are you waiting for? Jaane kaisi baatein tune ab kyun ke do. Mann mein rakhe chaa chalaya teri wo. Mere chehre ki subha zulf ke shaam. Mera sab kuch hai tere aap se teri naam. मैंने दूजी बारी प्यार होया सोने, दूजी बार भी होया तेरे नाल, मैंने दूजी बारी प्यार होया सोने।